क्या मामला हुआ भैया? सर मामला ये है, मेरी छोटी बहन थी, हाँ, उसका हमारे महल्ले के अंदर एक लड़का है, हाँ, नोमान, उसने उसका रेप किया। अच्छा। एक उसका फ्रेंड है रैपर, उसने उसकी वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद उसको लड़की को ब्लैकमेल करते रहे। उन्होंने कहा हमारा काम कर, अन्नी तो हम ये तेरी वीडियो वायरल कर देंगे। वो बच्ची वहां पे गई नहीं, वो बच्ची शर्म के हमारे घुट घुट के रहती रही घर में। मैंने पूछा बेटे क्या बात है, उसने किसी को नहीं बताया। उसने फिर उसने क्या किया, जहर खा लिया उस बच्ची ने, जहर खा लिया। कब की बात है ये, कब खाया जहर? कल शुक्रवार को 2:30 बजे जहर खाया उसने, 1:30 बजे, 1:30 के बीच हो रहा था बच्ची ने जहर खाया। उस टाइम पे जिस टाइम पे उसने जहर खा लिया, जहर खाने के बाद मैं उसको डॉक्टर के ले गया सरकारी हॉस्पिटल में। उन्होंने बोला उस बच्ची के अंदर कुछ नहीं है, रेफर कर दो सहारनपुर। मैंने फिर कोतवाल को फोन किया, सर मैं कहा आप यहाँ के बच्ची के बयान ले लो, मैं कहा बच्ची की आपदा मर जाएगी, फिर बयान ले नहीं पाओगे आप, इसके बयान ले लो। उसने बच्ची ने मरते टाइम कोतवाल साहब को जिसने बलात्कारी है नोमान उसका नाम लिया, और जो रहबर है जिसने उसकी वीडियो वायरल करी है उसका नाम लिया कि मेरा रेप किया, मुझे बार बार परेशान करते थे, इसलिए मैं खुदकुशी कर रही हूँ, इसलिए मैंने जहर खाया। उसने पूरे पक्के बयान दिए, वीडियो भी है लड़की की, पुलिस वालों के पास सब कुछ। बच्ची की डेथ हो गई जी, और उसका बच्ची का इंतकाल हो गया रात 11:30 बजे सहारनपुर में, इंतकाल हो गया सुच्ची का। उसने अपनी बदनामी से सुसाइड कर ली, जहर खा लिया। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ किसी बच्ची के साथ ऐसा ना हो, कोई भाई परेशान ना हो। मेरी बहन है, मुझे पता किस तड़प रही थी जहर खाने के बाद। इससे चीज से कभी डरो ना, लड़ो चीज से। अगर तुम ऐसा जुलम होता है, जुलम के लिए आवाज उठाओ। ये ना जहर खा लो, खुदकुशी कर लो, खुदकुशी गलत है, इसको ही करना चाहिए कुछ भी। आप अपनी फैमिली को बताओ, कोई प्रॉब्लम है, भाई था, बाप था, माँ थी, सब थे, अगर मैं बताती जहर खा के अच्छी बात नहीं, किसी सुसाइड नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी बच्ची के साथ ये काम नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत है, बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, बहुत दिनों से आ रहा, कब से हो रहा है पता नहीं, कब से सुसाइड कर रही है लड़कियां, कब तक। आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं? जी हाँ पकड़े हैं आरोपी, अंदर ही अभी। अच्छा। रात 2 बजे उठाया पुलिस वालों को। अच्छा, दोनों को उठाया, पूरे अंदर ही अभी दोनों तक के। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ इंसाफ, उनको सख्त से सख्त सजा हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो उनके खिलाफ, वो कभी ऐसा काम ना करे, उनको देख के 10 को सीख मिले। ठीक है सर। और उसकी वीडियो वायरल कर दी गई थी सोशल मीडिया पर, तो उसके चलते उसने जहर खा के जान दे दी। क्या मामला? कल थाना गंगो पर एक मीमो प्राप्त हुआ था कि एक लड़की ने जहर खा लिया है, जिसके चलते वो एक्सपायर हो गई है। उसी के संबंध में तुरंत से थाना द्वारा इसकी जांच की गई, और जिसमें उनके परिवारजनों के द्वारा तहरीर दी गई और बताया गया कि इन लड़कों के द्वारा लड़की का वीडियो बनाकर वायरल किया गया था, जिसके चलते लड़की ने जहर खा लिया था। और इसी के संबंध में थाने पर परिवार वालों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है आवश्यक धाराओं के अंदर, और इसमें जो दो अभियुक्तगण हैं नामजद, उन दोनों की अरेस्टिंग भी की जा चुकी है।